हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न। इसमें हमने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज स्टार्ट करते हैं 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, 86.04 डिवाइडेड बाय 4000 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो, अगर थोड़ा सा मैं यहीं से आइडिया लगाऊं कि 4 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम आपको बताया गया है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तब वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, तो 4 से ये कट ही जाएगा। 4 × 4 लास्ट में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद दो अंक तो पहले से हैं, और 3 जीरो से अगर हम भाग करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक और बढ़ जाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक तो पहले से है, या यूं कह लो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, और 3 अंक और बढ़ जाएंगे, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने हो जाएंगे? 5 अंक। यानी 5 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो 5 अंकों के बाद पॉइंट इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारे ऑप्शन में पॉइंट के बाद 5 ही अंक दे रखे हैं। तो 5 अंक दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो 4 से काट लो, 4 से काटा 1000, 4 से इसे काटोगे 4 × 2 = 8, 4 × 4 बचे 2, 4 × 5 = 20, 4 × 4 तो 4 अंक ये हो गए। और पॉइंट के बाद 5 अंक बनाने हैं, तो 0 लगा करके, यानी 0, 2, 1, 5, 1 और पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट 0, 2, 1, 5, 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 जो है, ये आपका घातांक वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। सर्ड्स एंड इंडाइसिस नाम से चैप्टर आता है, उसके भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। घातांक और करणी के नाम से चैप्टर है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए, ये 16 है, तो इसको भी मुझे 16 बनाना पड़ेगा। तो इस 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 की घात 2, और ऊपर 0.16 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? 16 की घात 16 × 32, यानी 0.32। अब देखो, ये भी 16 बन गया और ये भी 16 बन गया, और ये फॉर्मूला आपको लिखवाया जाता है घातांक वाले चैप्टर में, a की घात m गुणा a की घात n है, तो a की घात m प्लस n हो जाता है। यानी आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो जोड़ दीजिए, यानी 16 आधार बराबर हो गया, ठीक है। तो 16 की घात 0.18 और 0.32 को जोड़ोगे तो 0.5 आएगा। अब 16 को क्या लिखोगे? 4 की घात 2 और ऊपर 0.5, तो ये हो जाएगा 4 की घात 2 × 0.5 होगा, तो 1, 4 की घात 1 का मतलब 4। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता है तो आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इसके वीडियोज मेरे देख लीजिए, घातांक वाले चैप्टर के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 77 को डिटेल में समझने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 78, ये भी घातांक वाले चैप्टर से रिलेटेड है। अब देखो, आपके सिलेबस में अगर दशमलव भिन्न वाला चैप्टर लिखा हुआ है और घातांक आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, तो तब भी आपको घातांक वाला चैप्टर पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, ये आप यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। अब 78 में देखो, इधर क्या है? 21 की पावर x है, यानी इधर आधार 21 है, तो इधर भी कहीं ना कहीं मुझे आधार 21 बनाना पड़ेगा। अब इसमें देखो, यहाँ 3 की घात 3.5 है और यहाँ 7 की घात 3.5 है, तो इन दोनों की जो घात है, पावर है, वो बराबर है, तो इनके आधार की यानी बेस की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 7 × 3 = 21 की पावर ये हो गया 3.5। ये 21 की घात 2 है। अब ये 42 है, तो 42 को मैं क्या लिखूं? 21 × 2, और 21 की घात 2.5 भी लिखा जाएगा, और 2 की घात 2.5 भी लिखा जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपका आता है कि a की घात m गुणा b की घात m है अगर, तो ये a गुणा b की घात m हो जाता है। यानी a गुणा b की घात m है, तो a के ऊपर भी पावर लग जाएगी और b के ऊपर भी पावर लग जाएगी, तो इसीलिए ये 21 की घात 2.5 हो जाएगा और ये 2 की घात 2.5 हो जाएगा, और आगे डिवाइडेड बाय 2 की घात 2.5 है, तो इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा, और उधर कितना है? 21 की घात x। अब आप कह रहे होंगे, सर ये कहां गया? 7 की घात 3.5। भाई ये 7 इसके साथ गुणा करके हमने यहां लिख दिया है ना, तो गया कहां? यहीं पे है सब कुछ।
अब इधर देखिएगा इसमें, अब इन तीनों के आधार बराबर है और आधार बराबर है तो गुणा में जो घात होती है वो जुड़ जाती है, तो 21 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3.5 में 2 जोड़ोगे तो 5.5, 5.5 में 2.5 जोड़ोगे तो 8, ठीक है, बराबर 21 की घात x। आधार बराबर है तो इनकी घात बराबर, यानी x बराबर क्या आ गया, 8। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x बराबर 8। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, आप YouTube पे आई बटन पे क्लिक करके और इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां से इसका लिंक डायरेक्ट आ जाएगा, आप वहां से भी सर्च एंड इंडाइसिस वाला चैप्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 घातांक वाले चैप्टर से ही है ये भी। अब यहां देखिए आपको ये 30 दिया हुआ है तो इधर भी कहीं ना कहीं 30 बनाना पड़ेगा या कुछ और बनाना पड़ेगा, तो इधर 30 है लेकिन इसको 30 नहीं बना पाओगे आप, तो इस 36 को क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर और ऊपर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो गया यहां पे x, तो ये हो गया 6 की घात 1.2 इंटू 6 की घात 2 इंटू x, 6 की घात 2x। इस 30 को 6 गुणा 5 लिखोगे तो 6 की घात 2.4 और 5 की घात 2.4। इस 25 को 5 का स्क्वायर लिखोगे और इस 2 की और 13 की गुणा करोगे, 2 गुणा 13 दूनी 26 यानी 5 की घात 2.6 बराबर, इसको भी 6 गुणा 5 लिखोगे तो 6 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, तो 6 की घात 1.2 और 2.4 को जोड़ोगे तो 3.6 प्लस 2x इंटू 5 की घात 2.6 में 2.4 जोड़ोगे तो 5 आएगा, ये बराबर 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, इससे ये कट जाएगा, तो 6 की पावर 3.6 प्लस 2x बराबर 6 की पावर 5। आधार बराबर है तो इनकी घात भी बराबर होंगी, बीच में बराबर का निशान है तो 3.6 प्लस 2x बराबर 5, तो 2x बराबर 3.6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3.6 घटाओगे तो 1.4 आएगा और 1.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो x बराबर 0.7 आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। एक को 11 से भाग करना है, तो एक को 11 से भाग करना है तो एक में 11 का पाड़ा नहीं चलेगा तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, फिर ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 में 11 का पाड़ा नहीं चलेगा तो 0 लगाओगे, ठीक है, फिर ये 100 बन जाएगा, 100 को 11 से भाग करोगे तो 11 9 99, फिर एक बचा, एक में नहीं चलेगा तो फिर 10 हो जाएगा, वो 10 में नहीं चलेगा पाड़ा, फिर 0, फिर 9, फिर 09, इस तरीके से ये चलता जाएगा 09 09 09 09, तो ये क्या हो गया 09 के ऊपर बार आ जाएगा, 09 के ऊपर बार किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18.484848, ऐसे ये डॉट डॉट लगा हुआ है यानी ये अनंत तक जा रहा है और इसको हमें रोकना है, यानी P by Q की फॉर्म में इसको लिखना है, तो P by Q की फॉर्म में लिखना है तो एक बार तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करना होता है, फिर आपको पूरा तरीके से बता दिया जाएगा कि देखो अगर पॉइंट के बाद दो दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो नीचे हमेशा 99 आएगा, नीचे क्या आएगा 99 आएगा, अगर एक अंक रिपीट होगा तो नीचे 9 आएगा, तीन अंक रिपीट होंगे तो 999 आएगा, चार अंक रिपीट होंगे तो 9999 आएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि पॉइंट के बाद दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो ये दोनों अंकों को इधर उठा के ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा 1848 बनेगा, 48 इधर आ गया तो 1848 में से आप 18 घटा दीजिए,
18 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1830, तो ऊपर आ जाएगा 1830। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो कितना, 3 से काटा तो 33, और 3 से इसे काटोगे 3 × 18 = 3 = 3 610/33। 610/33 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगर आप तरीके से करते हो, आपके बचपन वाले तरीके से अगर हम इसको बताएं, तो आप क्या करेंगे, इसको x मान के चलेंगे, इसको x मान के चलेंगे, यानी x बराबर 18.48 48 48 48 ऐसे चलेगा। अब पॉइंट के बाद दो अंक रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ आप 100 से गुणा करेंगे। एक अंक रिपीट होता है तो 10 से गुणा किया जाएगा, 3 अंक रिपीट होते हैं तो 1000 से गुणा किया जाएगा। तो यहां दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करोगे तो 100x बराबर 1848.484848 ऐसी चलता जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट के बाद केवल वही संख्याएं रखनी है जो रिपीट हो रही है। पॉइंट के बाद ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो रिपीट नहीं हो रही है। अब यहाँ पे 48 रिपीट हो रहे हैं तो 48 48 48 ही रखा जाएगा। अब इस समीकरण में से इसको घटा दीजिए, 100x में से 1x घटाओगे तो कितना आएगा 99x। इसमें से इसको घटाओगे तो पॉइंट के बाद वाला तो पूरा जीरो हो गया, और 1848 में से 18 घटाओगे तो क्या आएगा 1830। तो x बराबर 1830/99 ये नीचे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे 3 से काटा 33, 3 से काटोगे तो 610। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 610/33। ये हो गया तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 36 के ऊपर बार लगा हुआ है, 36 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 36 वाली जो संख्या है ये रिपीट हो रही है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, x बराबर ऐसे लिखोगे 2.1363636 ऐसे चलता जाएगा। अब 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद हमें केवल वही संख्याएं रखनी है जो रिपीट हो रही हैं। अब 1 रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 को मुझे इधर लाना पड़ेगा, और 1 को इधर लाना है तो ये पॉइंट यहां खिसकाना पड़ेगा, और पॉइंट यहां खिसकाने के लिए मैं क्या करूं, इसमें 10 से गुणा कर दूं, तो 10x बराबर 21.36363636 ऐसे चलता जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका पहले वाला, यानी पॉइंट के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ किससे गुणा करोगे, 100 से। 100x बराबर 2136.36363636 ऐसे चलेगा। अब 100 से गुणा करोगे तो 100 × 10, यहां पे देखो ये 1000 बन जाएगा, क्योंकि 100 से दोनों तरफ गुणा करोगे तो 100 × 10 यानी 1000 बन गया। अब 1000 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा 990 बराबर, इसमें से इसको घटाओगे तो 2136 में से 21 घटाए तो 2115, तो x बराबर 2115/990 9 से काटोगे तो 110, 9 से इसे काटोगे 9 × 2 = 18 / 3, 9 × 3 = 27 / 4, 9 × 5 = 45, 5 से काटा 22, 5 × 20 = 3, 5 × 7 = 35, 47 को 22 से भाग करोगे 22 × 44, 2 × 3 = 22। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 22। अब अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ध्यान रखना है कि 1 रिपीट नहीं हो रहा है तो 10 आएगा, और फिर 2 रिपीट हो रहे हैं तो 10 में 100 से गुणा और हो जाएगी तो 1000, और 1000 में से ये 10 घटा दोगे, 1000 में से 10 घटा दोगे तो नीचे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 990। एक बार बता देते हैं लिख करके, अगर डायरेक्ट आपको करना है तो देखो 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 36 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है तो एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या माइंड में रखो 10, फिर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं यानी 100 से गुणा करोगे तो 100 × 10 कितना हो गया 1000, और 1000 और 10 का अंतर कितना हो गया 990 नीचे आ गया, ठीक है, x वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये 1 इधर आ गया था तो 21 बना, और फिर 100 से और गुणा करा तो 2136 बना, तो पहले 1 इधर आया 21 बना, और दूसरा 100 से गुणा किया तो 2136 बना, तो 2136 में से 21 घटाओगे तो डायरेक्ट ऊपर 2115 आ जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ये माइंड में अपने आप फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 1.27 बार है, पॉइंट के बाद 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, यहां पे तो नीचे क्या आएगा 99 बताया था मैंने, और 27 इधर चला जाएगा तो ये 127 बनेगा, और 127 में से 1 घटाऊंगा तो 126 आ जाएगा ऊपर, 126/99। अब इसको काट लीजिए, 9 से काटोगे तो 11, 9 × 9 = 3, 9 × 36 = 14/11, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन।
ऐसे यहाँ पे देखिए 0.57 बार है, 57 के ऊपर बार है तो 57 के ऊपर बार है तो नीचे 99, 57 इधर आएगा और 57 में से जीरो भी घटाओगे तो 57 ही आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 57/99। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 0.63 बार प्लस 0.37 बार दिया हुआ है और ऑप्शन पॉइंट की टर्म्स में ही दिए हुए हैं। अगर पॉइंट की टर्म्स में नहीं दिए होते, फ्रैक्शन में दिए होते तो मुझे पता है इसमें नीचे 99 आता, इसमें भी नीचे 99 आता, 99 एलसीएम हो जाता और ऊपर 63 और 37 को जोड़ते तो डायरेक्ट 100 आ जाता, यानी 100/99 आंसर आ जाता। क्लियर? लेकिन इसने ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको 2-3 बार लिख लो, आप आइडिया मिल जाएगा। 0.63 ऐसे लिख दिया मैंने, इसमें 0.37 जोड़ना है तो यहां पे मैं सीरीज स्टॉप मान के चलता हूं तो हो सकता है लास्ट वाला जो अंक है वो अलग आए, उससे आपको आइडिया नहीं लगाना है, इधर वाले अंकों से आपको आइडिया लगाना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखिए 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 1 और 3 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 1 और 7 8 और 3 11 का 1 का हासिल 1, और 3 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 1 और 7 8 और 3 11 का 1 का हासिल 1, और 3 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 1 और 0 यानी 1.0101। तो ये लास्ट वाला अंक क्योंकि हमने यह सीरीज स्टॉप मानी है तो ये अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो 0101 0101 0101 ऐसे ही चलता जाएगा। इसका मतलब 01 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार का सिंबल लग जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.01 बार। क्लियर? और अगर उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो कि 63/99 लिखोगे इसको, इसको 37/99 लिखोगे, 63 और 37 को जोड़ दोगे तो 100/99 हो गया। अब 100/99 हो गया तो इसको भाग करना है, 100 को 99 से भाग करोगे तो 99 एकन 99 बचा एक, एक में नहीं चलेगा पाड़ा तो पॉइंट लगा दिया और एक का क्या बन गया, 0 यानी 10 बन गया, 10 में फिर 99 का पाड़ा नहीं चलेगा तो क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, फिर ऊपर 100 बन जाएगा, 100 में 99 का पाड़ा चलाओगे तो 99 बन जाए 99। तो ये 1.010101 ऐसे चलता जाएगा, यहाँ से भी आप निकालना चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो 1.01 के ऊपर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में ऐसे ही कर सकते हो आप, देखो नीचे क्या आएगा, 99 अगर डिवाइड करने वाले से करो तो 99 आएगा नीचे तो, और ऊपर क्या आएगा, ये 87 इधर चला जाएगा, यानी 387 में से 3 घटाओगे तो 384, 259 में से 2 घटाओगे तो 257, फिर इसमें से इसको घटाओगे तो ये डिवाइड करने वाला जो मेथड है ये कहीं ना कहीं लेंथी पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए इस मेथड पे ना जाकर के मैं अपने उसी मेथड पे जाता हूँ। 3.87 बार को आप 2-3 बार लिख लो, 87 87 87, ऐसी 2.59 को भी, 59 बार है तो 59 को 2-3 बार लिख लो, फिर इनको माइनस करना है तो माइनस कर दो, 7 में से 9 घटेंगे नहीं तो इधर से 2.5 लोगे तो 17, 17 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, उसके बाद यहाँ कितने बचे, 7, 7 में से 5 गए तो 2, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये 1.28 के ऊपर बार लग जाएगा। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। अब देखो इसको मैं उसी तरीके से करना चाहूं तो इसमें देखो 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, तो 4 रिपीट नहीं हो रहा है तो 4 को इधर लाना पड़ेगा, तो पहले 10 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, ये 4 इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक एक अंक रिपीट हो रहा है, एक एक अंक रिपीट हो रहा है तो मैंने बताया था आपको 10 से गुणा करनी है, यानी ये 100 बन जाएगा और ये 10 से गुणा करोगे तो ये 47 बन जाएगा। अब इन दोनों का अंतर नीचे 90 आ गया और इन दोनों का अंतर 43 आ गया, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 43/99। अगर आप अपने तरीके से करना चाहो तो वही है, एक्स बराबर 0.4777 ऐसे चलता जाएगा .. 10 से गुणा करोगे 10x बराबर 4.7777 चलता जाएगा, फिर पॉइंट के बाद 7 रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करोगे तो ये 100x बनेगा, ये 47.777 ऐसे चलेगा। अब इस समीकरण में से इसको घटाओगे, 100 में से 10 घटाओगे तो 90x, इसमें से इसको घटाओगे तो पॉइंट के बाद वाला 0 हो गया, 47 में 4 गए तो 43, तो x बराबर 43/90। तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो,
तो इच्छा आपकी है। यहाँ पे देखो 1.2 बार है, 1.2 बार है तो दो के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब नीचे 9 आएगा, क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो नीचे 9, और दो इधर आ गया तो 12 हो गया, और 12 में से एक घटाओगे यानी 11, तो ये हो गया 11/9। अलग ही लिख देते हैं इसको, ये कितना हो गया 11/9। ऐसे ही उधर 3 है तो नीचे 99 आएगा, क्योंकि 0 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, दो अंकों के ऊपर बार है तो नीचे 99, और 3 इधर आएगा, 3 में से 0 घटाओगे तो 3 ही आएगा, यानी 3/99। अब इसको सोल्व करना है, 11 से काटा 11 9 99, 3 1 3 3 3 1/27। अब 1 में 27 का पाड़ा नहीं चलेगा तो पॉइंट लगाओगे, ये 10 बन जाएगा, 10 में भी 27 का पाड़ा नहीं चलेगा तो 0 लगाओगे, फिर ये 100 बन जाएगा तो 27 3 81, 0.03 81 बन चुका है, 27 3 81, तो बचे कितने, 100 में से 81 घटाओगे यानी 19, 19 में फिर ये 190 बन जाएगा। अब 190 में 27 का पाड़ा कितनी बार चलेगा वो भी मुझे यहीं से आइडिया लगाना है। देखो 0.03 या तो 0.36 आएगा या 0.37 आएगा, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, या तो 6 बार या 7 बार, तो मैं 7 बार चला के देखूं तो 7 × 7 = 49 का नौका हासिल लगे, 4 × 7 = 14 और 4 = 18, 7 बार चल जाएगा, 7 बार चल गया तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो अंक निकालने ना वो भी आपको ऑप्शन से ही उठा लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, 90, 91, 92, ये चारों क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं HCF LCM वाले चैप्टर में आ चुके हैं। तो अब देख लीजिए हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, और क्वेश्चन किसका आ गया, HCF LCM वाले चैप्टर का। तो गाइस अगर आपके सिलेबस में दशमलव भिन्न वाला टॉपिक लिखा हुआ है और HCF LCM वाला टॉपिक नहीं लिखा हुआ है तब भी आपको HCF LCM पढ़ना पड़ेगा। ये हर बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे अभी पिछली बार पीछे आया था क्वेश्चन आपका किसका, मैथ इससे रिलेटेड आया था, घातांक वाले चैप्टर से रिलेटेड, तो इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन वाला चैप्टर लिखा हुआ है तो घातांक वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। यानी जो बेसिक बेसिक चैप्टर्स हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे वो आपके कोर्स में लिखे हों या नहीं लिखे हों। अब लोग कहते हैं सर हमारे जैसे, अब राजस्थान के एग्जाम्स का एग्जाम्पल ले लो, राजस्थान के एग्जाम्स में एक पटवारी का एग्जाम है, पटवारी के एग्जाम में कि सर हमारे सिलेबस में तो केवल 9 टॉपिक लिखे हुए हैं, और बच्चे खुश हैं कि हाँ 9 टॉपिक लिखे हुए हैं, बहुत कम सिलेबस है मैथ्स का और हम इसको आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन 9 टॉपिक की जगह उन्हें ये नहीं पता है कि उनको कम से कम 20-25 टॉपिक पढ़ने हैं टोटल मिला के, लेकिन बाकी कोचिंग सेंटर वाले ये ज्ञान देते नहीं है, क्योंकि ज्ञान देंगे तो उनको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, क्लासेस ज्यादा लगानी पड़ेगी, उनकी कोस्टिंग ज्यादा पड़ेगी, तो इसलिए वो इनको इतना ज्ञान बच्चों को देते ही नहीं, बस कहते हैं बस 9 ही टॉपिक है, आपको केवल 9 ही टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ 9 टॉपिक के साथ में आपको कम से कम 20-25 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। वहां पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, वो आप मेरे वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया पटवारी के सिलेबस में अगर एक एक नियम वाला चैप्टर लिखा हुआ है, एक एक नियम में सब कुछ आ जाता है, एक एक नियम में आपका समय दूरी भी आ जाएगा, रेलगाड़ी, नावधारा, पाइप टंकी, समय कार्य, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से बेसिक तो आपको हर चैप्टर का पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे ही बैंक वगैरह के एग्जाम ले लो तो बैंक का सिलेबस आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है, कई जगह आपको लिखा मिलता है कि 10th क्लास तक का पूरा सिलेबस, 10th क्लास तक की पूरी गणित, तो 10th क्लास तक की पूरी गणित, तो पूरी गणित का मतलब पूरी गणित, कुछ भी आ सकता है 10th क्लास तक में, और ये सब जो है ये 10th क्लास तक का ही सिलेबस है। तो इसलिए गाइस मैथ्स आपको पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, ये मत सोचो कि हाँ बस मेरे को पटवारी के हिसाब से 9 टॉपिक पढ़ लिए, कल को कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकली तो 4 टॉपिक पढ़ लिए, मेरे का जो है ग्राम सेवक की वैकेंसी निकली तो 5 टॉपिक उसमें पढ़ लिए, इस तरीके से मत करो, पढ़ो तो पूरी पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत, छोड़ दो फिर उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 1.75, 5.6 से 7 का HCF निकालना है आपको। HCF का मतलब आपको बताया है महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब महत्तम समापवर्तक मैंने HCF LCM वाले चैप्टर में भी बताया था कि कभी भी दशमलव संख्याओं का अगर हमें HCF या LCM निकालना पड़े तो पहले क्या करना है, उसमें से हमें दशमलव को हटाना है। अब दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक है, पॉइंट के बाद 2-2 अंक है सब जगह, यानी 2 अंक है तो इसका मतलब सब जगह पे 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे तो ये 175 बन जाएगा, ये 560 बन जाएगा, ये 700 बन जाएगा, ये 70 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 350 बन जाएगा, और ये 35 बन जाएगा। क्लियर?
अब महत्तम समापवर्तक वाले चैप्टर में आपको बताया है कि जो महत्तम समापवर्तक होता है वह सदैव दी गई संख्याओं से छोटा होता है। दी गई संख्याओं से यानी 175 से छोटा होगा, ये ऑप्शन क्या जा रहा है, बड़ा जा रहा है, तो इसको काट दीजिए। उसके बाद इन तीनों से छोटा होगा और बड़े से बड़ा, यानी 70 से, देखो 70 से ये दोनों कट जाएंगे लेकिन 70 से ये नहीं कट पाएगा, तो ये गलत हो गया। तीनों 5 से कट रहे हैं, ये 5 से नहीं कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 35। ऐसे ही इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद अधिकतम कितने, 3 अंक, 2 अंक, 1, 2, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1080 बनेगा, ये कितना बनेगा, 360 बनेगा, ये कितना बनेगा, 900 बनेगा, 1000 से गुणा करोगे तो। अब इसमें 1000 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 30, ये कितना बन जाएगा, 900, ये कितना बन जाएगा, 180, ये कितना बन जाएगा, 108। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF आपको बताया गया है कि दी गई संख्याओं से छोटा होगा, यानी 360 से छोटा होना चाहिए। अब 360 से ये ऑप्शन बड़ा जा रहा है तो इसको हटाओ। अब 360 से छोटा है, ये तीनों ऑप्शन है और इनमें हमें सबसे बड़े से शुरुआत करनी है। 360 से 180, 360, 180 से 360 कटेगा, 180 से ये भी कटेगा और 180 से ये भी कटेगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक आ रहे हैं, ऑप्शन भी देखने हैं, क्वेश्चन भी देखना है, कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं तो 1000 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 3000, ये कितना बनेगा, 2700, ये कितना बनेगा, 90, ये कितना बनेगा, 2700, ये कितना बनेगा, 270, ये कितना बनेगा, 27, ये कितना बनेगा, 27000, क्योंकि 1000 से गुणा करना है। अब देखिए इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सदैव दी गई संख्याओं से बड़ा होता है, ये एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर में बेसिक लिखवा रखा है। यानी 3000 से बड़ा होगा तो 3000 से ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी 3000 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 1000 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 54540, ये कितना बनेगा, 1800, ये कितना बनेगा, 7200, ऐसे ये कितना बनेगा, 21600, ये कितना बनेगा, 2160, ये कितना बनेगा, 21630, ये कितना बनेगा, 216। अब एलसीएम आपको पता है इन सब से 7200 से क्या होगा, बड़ा होगा। 7200 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, इसको हटा दो। 7200 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, इसको भी हटा दो। अब बचे ये दो ऑप्शन, इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, 21600। 21600 को हम पहले चेक करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 54 चौके 216, 20 से 20 कट जाएगी, 18 एकन 18, बचे 3 18 2 36, 20 से 20 कट जाएगी, 72 3 216। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में ये आपको संख्याएं दे रखी है, 4/9 अंडर रूट 9/49 0.45 बार तथा 0.8 का स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या निकालनी है अगर आपको, तो 4 को अगर 9 से भाग करोगे तो 9 चौक 36, बचे 4, ठीक है, क्योंकि 4 को 9 से भाग करोगे तो 4 में पाड़ा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे 40 बन जाएगा, 40 को 9 से भाग करोगे 9 चौक 36, फिर 4 बचेंगे, फिर 40 बनेगा, 9 चौक 36, 0.44 आएगा। ऐसी 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 और 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, 3 को 7 से भाग करोगे तो 7 का पाड़ा इसमें नहीं चलेगा, 7 चौक 28, बचे 2, 7 दूनी 14, 0.42, ये 0.45 है और ये 0.64 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई गाय जिसमें 0.42, 0.42 हुई, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 9/49 सबसे छोटी संख्या है।
क्लियर। देखो छोटी संख्याएं दे रखी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भाग कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 91/99 ऐसे बड़ी संख्या होती तो बड़ी संख्या के लिए मैंने आपको पार्ट वन में थ्योरी में बताया है कि कैसे पता करते हैं कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो उसको एक बार ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन में इसने ये संख्याएं दे रखी है और इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखो सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है, 15 16 से छोटा, 19 20 से छोटा, 24 25 से छोटा, 34 35 से छोटा, और अंश और हर का अंतर भी समान है, 15 और 16 का अंतर एक, 19 20 का अंतर एक, 24 25 का अंतर एक, 34 35 का अंतर एक। तो मैंने आपको जो पार्ट वन पढ़ाया था थ्योरी जिसमें लिखवाई है मैंने, उसमें आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि यदि सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है और अंश तथा हर का अंतर समान है तब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो गाइस इसने छोटा पूछा है तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 15/16, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ये 4-5 संख्याएं दे रखी है और इसने पूछी है सबसे बड़ी संख्या, तो देखो गाइस इसने 5 संख्याएं दे रखी है और सबसे बड़ी संख्या पूछी है और ऑप्शन में 4 ही संख्याएं दे रखी है, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस भी आपको दिखानी पड़ेगी, स्मार्ट भी बनना पड़ेगा कि यहाँ पे तो चलो 5 संख्या, अगर मैं यहाँ पे 10 संख्याएं दे देता और कहता कि 10 संख्याओं में से आपको सबसे बड़ी छांटनी है, अब बड़ी छांटनी है तो आप उन 10 में कंपेयर मत करो, जो ऑप्शन में दे रखी है 4 संख्याएं उन्हीं में आप चेक करो ना, आपको 10 चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। 3/7 आपको देखना है, 4/13 देखना है, 7/9 देखना है, 6/11 देखना है, 2/9 को भूल जाओ, इसको देखना ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर 10 संख्याएं आएंगी और 10 में से 4 ऑप्शन में होंगे तो बाकी जो 6 संख्याएं बची उनको आप छोड़ देना, केवल 4 में ही कंपेयर करना। हाँ नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में दे दिया तब हमें पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं दिया, वो ऐसे 4 ही ऑप्शन दिए और संख्याएं 10 दे दी, तो जो 4 संख्याएं दे रखी है उन्हीं में चेक करना, बाकी को छोड़ देना। अब मैं यही 4 ऑप्शन में चेक करता हूं, मैं क्वेश्चन को चेक नहीं कर रहा हूं, मैं ऑप्शन को चेक कर रहा हूं। देखो 3 को 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14, 0.42, यहां पे कितना आएगा 0.13 39 बचा 1, 0.30, यहां पे कितना आएगा 9/63 बचे कितने 7, 9/63 0.77, 6/11 11/55 0.55। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, आपके वाले तरीके से किया डायरेक्ट भाग दे करके। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो, जो मैंने लिखवाया था कि यदि सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है और अंश तथा हर का अंतर असमान है तब हमें अंश को अंश तथा हर के अंतर से भाग करना है, जिस भिन्न का उत्तर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न का उत्तर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखिए 3 और 7 में कितने का अंतर हुआ, 4 का अंतर हुआ, तो 3 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3/4 का मतलब होता है 0.75। ऐसी 4 और 13 में कितने का अंतर हुआ, 9 का, तो 9 से इसे भाग करूंगा तो 9/36 बचे 4, 9/36 0.44 आएगा। ऐसे ही 7 और 9 में कितने का अंतर हुआ, 2 का, तो 7 को 2 से भाग करूंगा तो 3.5। 6 और 11 में 5 का अंतर है, 6 को 5 से भाग करेंगे तो 1 point something, तो 3.5 ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, अपने नॉर्मल मेथड से भी करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसने कहा है कि अवरोही क्रम में बताना है कौन सा ऑप्शन अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है, और ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, यानी घटता हुआ क्रम। और अगर आप देखो 5 और 7 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, और सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है, और ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है कि यदि सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है और अंश तथा हर का अंतर समान है तब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें 9/11 सबसे पहले आएगा, 9 से छोटा 7/9 आएगा, फिर 7 से छोटा 5 और 5 से छोटा 3। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 रीड कर लीजिए। रोहित ने 22 रुपए 25 पैसे के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे, इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकट पर कितनी राशि व्यय की। तो
इसने कहा है कि टोटल 22 रुपए 25 पैसे उसने खर्च किए और 25 पैसे के और 50 पैसे के टिकट है और टोटल 52 टिकट खरीदे हैं, तो आपको बताना है कि 50 पैसे वाले टिकट पर कितनी राशि खर्च हुई है। रोहित बॉट 52 टिकेट्स ऑफ प्राइस 25 पैसा एंड 50 पैसा अमाउंट्स टू ₹22.25। हाउ मच अमाउंट ही इन्वेस्टेड ऑन 50 पैसा टिकट्स। तो देखिए इसमें आप एलिगेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। एलिगेशन टेक्निक मिक्सचर एलिगेशंस वाले चैप्टर से रिलेटेड है और ये जो टेक्निक है एलिगेशन टेक्निक, ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आ जाती है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए आप 52 के 52 टिकट अगर आप 25 पैसे वाले खरीदें, 25 पैसे के टिकट हैं आपके पास और एक तरफ 50 पैसे वाले टिकट लिख दीजिए, अगर 52 के 52 टिकट आप 25 पैसे वाले खरीदोगे तो 25 पैसे का एक टिकट तो ₹1 में कितने हुए, 4 टिकट। 25 पैसे का एक, 50 पैसे के दो, 75 पैसे के तीन, ₹1 के 4 टिकट, तो ₹1 के 4 टिकट हुए। तो 52 टिकट कितने के होंगे, 52 को 4 से भाग करोगे यानी ₹13 के। यानी अगर मैं सारे के सारे टिकट 25 पैसे वाले खरीद लूं तो मुझे टोटल कितना देना पड़ेगा, ₹13 देना पड़ेगा। अब अगर मैं 50 पैसे के सारे टिकट खरीदता हूं तो 50 पैसे का एक टिकट तो ₹1 में 2 टिकट आए और 52 टिकट कितने में आएंगे, तो 52 को 2 से भाग करोगे यानी ₹26 में। अगर सारे के सारे टिकट आपने 50 पैसे वाले खरीदे तो कितने रुपए देने पड़े, ₹26। लेकिन इन दोनों का मिश्रण कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, 22.25 रुपए। तो मिश्रण वाला पार्ट हमेशा बीच में लिखा जाता है, 22.25 ही है ना, हाँ सही है, ठीक है, मिश्रण वाला पार्ट बीच में लिखा जाता है। अब एलिगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर इधर लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाओगे, 22 में से 13 गए यानी ये आ जाएगा 9.25। ऐसे ही इन दोनों का अंतर हम इधर लिखते हैं, तो 26 में से 22 घटाओगे तो कितना, 26 में से 22 घटाओगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 में से भी ये 0.25 घटाना पड़ेगा तो 3.75। 3.75 और 0.25 जोड़ोगे तो 4 और 4 और 22 26, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3.75। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएंगे क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। 25 से काटा 25 एकन 25 बचे 12, 25 पंजे 125, 25 तीय 75, 75 बचे कितने, 75 और 7 82 और 10, 10 और 7 17 175, 25 सत्ते 175, 25 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ गया 37। इसका मतलब 25 पैसे वाले टिकट कितने खरीदे गए हैं, 15 टिकट खरीदे गए हैं और 50 पहले से वाले कितने टिकट खरीदे गए हैं, 37, और 37 और 15 को जोड़ के देखो टोटल 52 टिकट भी बैठ रहे हैं। यानी 50 पैसे वाले आपने 37 टिकट खरीदे। अब इसने पूछा है 50 पैसे वाले पर कितनी राशि व्यय की, टिकटों की संख्या नहीं पूछी इसने, राशि पूछी है, तो कुल राशि 50 पैसे पे कितनी हो जाएगी, कुल राशि 50 पैसे पर, 50 पैसे वाले टिकट पर, तो एक टिकट कितने का है 50 पैसे का, तो 37 टिकट कितने के होंगे, तो 37 × 0.5, 37 और 5 को 0.5 को गुणा करोगे तो 37 का आधा कितना हो गया, 18.5, क्योंकि 0.5 से गुणा करने का मतलब होता है आधा, तो 37 का आधा करोगे तो 18.5। यानी 50 पैसे वाले टिकट पर उसने कितनी राशि व्यय की है, ₹18.50। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 104। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा, प्रारंभिक संख्या कितनी है, प्रारंभिक संख्या कितनी है, तो संख्या बतानी है आपको। तो गाइस संख्या अगर मैं मान के चलूं 1 है, संख्या अगर मैं मान के चलूं 1 है, तो 1 में मैं पहले 0.72 से गुणा कर रहा था तो आंसर 0.72 आना था, लेकिन मैंने गलती से किससे गुणा कर दिया है, 7.2 से गुणा कर दिया, तो 7.2 से गुणा कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 7.20 आ गया। अब 20 क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है। अब इन दोनों में इसके अनुसार 2592 का अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया, 2592 का। आप अगर अपने तरीके से करते हो तो यहाँ 1 की जगह x मानते हो, आप x मान के करना चाहो x मान के कर सकते हो, मैंने 1 माना है तो 1 मान के भी कर सकते हो। 2592 इनका अंतर आया, तो इन दोनों में कितने का अंतर होगा ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो 0 में से 2 तो घटेंगी नहीं, तो 10 में से 2 घटाओगे तो 8,
उसके बाद 72 की जगह 71 रह गए, 71 में से 7 घटाओगे तो 64, यानी 6.48 रुपए किसके बराबर है 2592 के। और इसने पूछा है प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू यानी 1 निकालना है, 1 इज इक्वल टू कितना, तो 1 इज इक्वल टू कितना 2592 बटे 6.48, इसी को आप बोलते हो एकिक नियम। ये बराबर ये तो एक बराबर कितना, एक एक नियम यूनिटरी मेथड, और ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। पॉइंट हटाओगे तो 20 ऊपर लगेगी। अब 8 के पाड़े में 2 कब आता है, 8 चौक 32, यानी इससे इसको भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। तो गाइस प्रारंभिक संख्या कितनी थी 400, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 104 वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 75.15 एंड 60.12, फाइंड द नंबर। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, पॉइंट की संख्याओं को देख करके डरना नहीं है। कोई संख्या है, मान लिया हमने संख्या x है, उस संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग किसके बराबर है, 75.15 का वर्ग, 75.15 का वर्ग और 60.12 का वर्ग के अंतर के बराबर। तो इन दोनों के वर्गों का अंतर लिया और वो किसके बराबर हो गया, x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसको देखो, अगर आप अपने तरीके से सोल्व करोगे, इसका वर्ग निकालोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, इसका वर्ग निकालोगे बहुत लेंथी पड़ेगा, इसलिए इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए पहले। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, यानी 15 में से 12 घटाओगे तो 0.03, 75 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा 15, ए माइनस बी ये हो गया इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी करोगे तो 15 और 12 27, और 60 और 75 को जोड़ोगे तो 135। अब आप इन दोनों को गुणा करोगे और फिर उसका वर्गमूल निकालोगे तो फिर लेंथी पड़ेगा। तो इसलिए देखो इसके टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े अगर देखो तो 15 नम्बर 135 होते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 15 नम्बर 135, यानी 15.03 इंटू 9, 27 भी बन जाएगा, 9 गुणा 15 करोगे तो 135 भी आ जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये दो बार है तो वर्गमूल में एक बार आएगा 15.03, और इस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9 और 15 तिया 45, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45.09। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 पढ़ लीजिए, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है, लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है। 20 मीटर लॉन्ग वायर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट सच दैट लेंथ ऑफ वन पार्ट इज 2/3 टाइम्स ऑफ अनादर पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पार्ट। यानी लंबे टुकड़े की लंबाई बतानी है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसने कहा है कि पहले का और दूसरे का अनुपात कितना है 2/3, यानी डायरेक्ट इसको 2:3 लिख दो। इसका मतलब जिस वायर को मैंने तोड़ा है उन दोनों में कितने का अनुपात हो गया 2:3 का। वैसे भी अगर मान लोगे कि पहले वाला पार्ट एक्स है तो दूसरे वाला क्या हो गया 2/3 एक्स, यही लिखते हो ना आप, तो यहां से भी आपका क्या आएगा 2:3 ही आएगा ना एक तरीके से। तो इसीलिए जो है आप ये डायरेक्ट बस ये लिख दो 2/3 को क्या लिखना है 2:3। अब टोटल वायर कितनी है 20 मीटर, तो टोटल वायर यहां पे कितनी है 5, तो 5 बराबर 20 मीटर, तो 1 बराबर 4 मीटर। अब इसने लंबे टुकड़े की लंबाई पूछी है, तो लंबा टुकड़ा कौन सा है 3 वाला, तो 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12 मीटर, तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई 12 मीटर, एक एक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी। टेरी ड्रिंक्स 1600 मिलीलीटर मिल्क डेली, हाउ मच मिल्क सी विल ड्रिंक इन 4 वीक्स। तो 4 सप्ताह में पूछा है, तो 4 सप्ताह में दिन कितने होते हैं पता है क्या, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 4 सप्ताह में 28 दिन, 4 से 28, 1 दिन में 1600 मिलीलीटर दूध पिया तो 28 दिन में कितना पिया जाएगा 1600 इंटू 28।
अब ये मिलीलीटर है और जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो लीटर में दिए हुए, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो ऐसे ही अगर 1 मिली निकालना है तो ये 1000 कहां जाएगा, भाग में। अब इसको सोल्व कर लो, 16 8 128 का 8 का हासिल 12, 16 2 32 और 12 44 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 44.8 लीटर। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो देखिए 1/5 के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, 1:5, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में 1:5 का अनुपात है। तो पहली को अगर आप 1x मानोगे तो दूसरी 5x होगी, और दोनों का गुणनफल 5x² बराबर 0.008 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे ये 008 है और 8/5 से नहीं कटता है, 8/5 से नहीं कटेगा, तो इसको मैं 80 मान लूं लगभग, क्योंकि 5 से 80 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो 5 से 80 को काटोगे तो 16 5 80, यानी आएगा 0.0016। 5 से 80 को काट दिया 16, और पॉइंट के बाद 4 अंक है तो पॉइंट के बाद 4 अंक। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 16 का वर्गमूल 4 और पॉइंट के बाद 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक आएंगे। तो गाइस यहां पे एक चीज देख लीजिए आप, वर्ग वर्गमूल का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। वर्ग वर्गमूल अगर आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है तो वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। तो एक्स का मान 0.04, यानी छोटी संख्या 0.04 आ गई, और बड़ी संख्या पूछेगा तो 0.04 × 5 कर देंगे, लेकिन इसने क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.04। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से, उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं सेम नेम से, अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हां जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।